अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपना लॉन्ड्री एरिया दिखाने लगी हूँ। ये है मेरा लॉन्ड्री सेक्शन और इसके साथ ये है मेरी सारी वॉशिंग मशीन्स। ये वॉशिंग मशीन है, ये ड्रायर है और ये वॉशिंग मशीन है एंड ये मेरा लॉन्ड्री बास्केट है और पीछे मैंने मॉप रखा हुआ है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे मैंने क्लीनिंग की भी चीजें रखी हुई है और लॉन्ड्री बास्केट भी इधर रखी हुई है। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ मशीन। यहाँ पे होता है कि 7 बजे के बाद लगानी होती है क्योंकि सुबह अगर लगाएंगे ना तो यूनिट्स बहुत ज्यादा खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती है। तो आप यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि 7 बजे, मैं भी यही करती हूँ कि 7 बजे के बाद, वीकडेज में 7 बजे के बाद मशीन लगानी चाहिए, शाम के 7 बजे के बाद, और वीकेंड्स पे आप दोनों दिन जो है कभी भी लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डिटर्जेंट लिया है कॉस्को से, प्योरेक्स का डिटर्जेंट है। 250 टाइम्स ये यूज हो सकता है, मतलब इसके अंदर है 9.26 लीटर्स और ये बहुत ही अच्छा है कि एक ही दफा आपकी जो है ना 2-3 महीने की छुट्टी हो जाती है इससे। तो इसमें मैंने ये डिटर्जेंट डाल दिया है इस कप में, इस कप में डिटर्जेंट डाल दिया है और अब मैं आपको इसके अंदर फंक्शन करके बताती हूँ। ये है सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसके अंदर मैंने कपड़े भर लिए और ये देखें, इधर से आप ये ओपन करेंगे, इधर से ये ओपन होता है और इसके अंदर लिखा हुआ है लिक्विड डिटर्जेंट। लिक्विड डिटर्जेंट मैंने उस बॉटल से इसमें डाल दिया था और इसमें एक लिमिट भी लिखी हुई है, मैक्स इधर तक ही हो सकता है, इससे ऊपर डिटर्जेंट ना डालें आप। और ये मैंने अच्छी तरीके से डाल दिया, ठीक है, ताकि जरा सा भी जाया ना हो। ओके, और फिर उसके बाद इधर आप सॉफ्टनर या ब्लीच डाल सकते हैं। खैर, मुझे मैंने कपड़े डाल दिए, मैंने हाफ लोड किया, मैंने ज्यादा नहीं लोडेड किया। ये है स्विच का ऑन का बटन, ये देखिए ये पावर ऑन हो गई है। अब मैंने इसको लिखा, ये इसके अंदर है डेडिकेटेड हैंड वॉश, वूल, क्विक वॉश, रिंस एंड स्पिन और प्रेस एंड इसके अंदर लिखा हुआ है सैनिटाइज भी करना हो तो वो भी हो सकता है। और इसके अंदर डिले का भी फंक्शन है, एक्स्ट्रा रिंस का भी फंक्शन है, प्योर साइकिल भी है, टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर में हॉट एंड कोल्ड भी कर सकते हैं, वार्म एंड वार्म भी कर सकते हैं, वार्म एंड कोल्ड एंड कोल्ड एंड कोल्ड। और साथ में आप इससे स्पिन से जो है स्पिन हाई मोड पे आपने स्पिन करना है, मीडियम रखना है, लो रखना है या कोई स्पिन नहीं करना, खाली वॉश करना है, वो भी इसमें फंक्शन है। और इसके अंदर लेवल में है, हैवी भी है, नॉर्मल भी है और लाइट भी है। तो मैं नॉर्मल पे रखती हूँ और मैं स्पिन हाई पे रखती हूँ और मैं कपड़े जो है ना टेम्परेचर इनका वो मैं वार्म एंड वार्म पे रखती हूँ, ताकि और साथ में मैं क्विक वॉश पे रखती हूँ। क्विक वॉश पे 30 मिनट्स में ये हो जाता है और मैं बस इसको अब स्टार्ट करूंगी। मैंने स्टार्ट किया है, अब इसके अंदर जो है पानी भरना स्टार्ट हो गया है। किम्बरी मैं आपको दिखा देती हूँ, पानी लेती है खुद ही सब कुछ ये घर। और विदिन, ये टॉप लोड वाली ऑटोमेटिक मशीन की तरह नहीं है कि वो शो 30 मिनट्स करती है और लेती 1.5 घंटा है। ये जो आपको शो टाइम करेगी ना, ये उतने ही टाइम में आपको ये धोके दे देगी। और फिर उसके बाद 30 मिनट्स के बाद मैं आपको ड्रायर भी दिखाऊंगी और ड्राई भी 30 मिनट्स में ही आपको ड्राई करके देते हैं। ऑल्दो ड्राई जो करता है ना ये सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इट्स द बेस्ट ऑटोमेटिक मशीन फ्रंट लोडेड सैमसंग की। तो मैं अगर पाकिस्तान में भी लोग हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि सैमसंग की ही लें, फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे कपड़े धुलती है। इतनी मेरी टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं धोती थी हायर की। मतलब जब ये कपड़े ड्राई होकर निकलते हैं तो वो ना सिर्फ ड्राई होकर निकलते हैं बल्कि वो काफी गर्म भी हुए होते हैं और वो रिंकल फ्री भी होते हैं। हाँ, रिंकल इसके अंदर, ये भी उसके अंदर काफी प्रेस नहीं करना पड़ता जी, वो आपके रिंकल लेस कर देती है कपड़े स्पिनर जो ड्रायर है। अब मैं आपको इसको 30 मिनट्स बाद जो कितने, ये मतलब 95% 98% बल्कि
ये आपके कर देती है कपड़े सुखा देती है, लेकिन उसके बाद मैं इसको ड्रायर में मस्त डालती हूँ। और कि आपको बाहर इस तरह सुखाने, इवन टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ये होता है कि आपको बाहर सुखाने पड़ते हैं धोने के बाद भी, ड्राई करने के बाद भी। इसमें अब मुझे ड्राई करने के बाद मैं डायरेक्ट जो है वो कबर्ड में डाल देती हूँ। मतलब वो ये हो जाता है कि आपको सुखाने और जगह जगह रखने की झंझट ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है बाहर एक्सट्रीम का वेदर होता है। आप लोग बोलते होंगे कि कैनेडा में लोग कपड़े कहाँ सुखाते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस ड्रायर में डालें और आप उसमें से निकालें और अपने कबर्ड में फोल्ड करके रख दें कपड़े। मतलब एक चीज ये बेस्ट है हमारी इस अकोमोडेशन की कि यहाँ पर जितनी होम अप्लायंसेस हैं वो टॉप ऑफ द लाइन किस्म की लगी हुई है और बिल्कुल लेटेस्ट लगी हुई है और बिल्कुल नई लगी हुई है। फिर चाहे वो चूल्हा हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे ड्रायर हो, हर चीज A1 किस्म की हमें मिली है और वो रेंट में ही इंक्लूडेड है। ये देखिए इसमें से सारा वॉशर में से हो चुका है वॉश और मैंने अब डाल दिया है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने स्पिनर ड्रायर के अंदर डाल दिया और ड्रायर की सेटिंग मैं बता देती हूँ आपको। ड्रायर भी सैमसंग का ही है। ड्रायर को भी मैंने इसी तरीके से ऑन किया है और इसको मैंने रखा हुआ है वॉशेबल पे, रिंकल रिलीज पे, रिंकल रिलीज पे रखा हुआ है। इस पर टाइम ड्राई भी है, इस पर एयर फ्लफ भी है और इसके ऊपर प्राम प्रेस भी है, इसके ऊपर हैवी ड्यूटी भी है, नॉर्मल भी और डेलिकेट भी है। मैंने इसको इस पे रखा हुआ है रिंकल रिलीज पे एंड ये देख सकते हैं आप। और ड्राई लेवल भी रखा हुआ है मैंने नॉर्मल एंड टेम्परेचर मैंने मीडियम रखा हुआ है। हाई कर सकते हैं, मैंने टेम्परेचर मीडियम काफ़ी है और 30 मिनट्स तक का मैं लगाती हूँ क्योंकि वो 98% ऑलरेडी सूखे हुए हैं, तो बस रिंकल्स भी निकल जाए एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो फिर मैं यहाँ से प्ले कर देती हूँ। मैंने प्ले कर दिए और अब आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गई है स्पिन करना। ऑलरेडी 98% जो है वो सूखे हुए थे तो मैंने फिर अब ये चला दिया है ताकि इसमें से सारे रिंकल्स भी निकल जाएं, आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ये अब इधर से डायरेक्ट उठा के मैं इसको कवर में डाल दूंगी। ये बहुत मजे का ना दरवाजा भी इसका बना हुआ है जो बहुत स्पेस सेविंग है, फोल्डिंग दरवाजा है। ये बाहर की तरफ फोल्ड हो जाता है तो अंदर जो भी आपकी मतलब अंदर के लिए भी नहीं होता, बाहर की तरफ फोल्ड हो जाता है और इजीली खुल भी जाता है और स्पेस सेविंग भी है कि बाहर की तरफ इतना बड़ा दरवाजा नहीं लगा हुआ कि खुलेगा किचन के अंदर तो स्पेस किधर जाएगी। और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।